हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरल होम्योपैथिक रेमेडीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राइट हाइट टैबलेट्स। ये एसबिल कंपनी की है और ये होम्योपैथिक मेडिसन है। इसके बहुत अच्छे यूजेस हैं, मैं आपको बताऊंगी आप इसको किस पर्पस में यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या एमआरपी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, जैसे कि राइट हाइट, इससे ही समझ आता है कि राइट हाइट, अगर आपके बच्चे को हाइट की प्रॉब्लम है कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसमें राइट हाइट टैबलेट्स आप उसको दे सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर किसी बच्चे को या थोड़े बड़े को, 17 साल से नीचे की उम्र के बच्चे इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। टैबलेट्स के साथ साथ आप उनके खान पान पर भी ध्यान दें, उनके डाइट पर ध्यान दें, उनको पौष्टिक आहार दें, उनको विटामिन्स और कैल्शियम की मेडिसिन भी दें और अपना दूध का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप मेडिसिन भी लेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उनको थोड़ा एक्सरसाइज कराएं, थोड़ा क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ कराएं उनको, जिससे उनकी लंबाई बढ़ने में उनको आसानी दिखे। किसी बच्चे की हाइट बचपन से दिखनी स्टार्ट हो जाती है और किसी की बाद में पता चलता है किसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप अपने डाइट के साथ साथ राइट हाइट टैबलेट्स भी यूज़ करें। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका MRP ज़्यादा नहीं है, 140 रुपीज़ इसका MRP है और ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ईजिली मिल जाएगा और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इसका 100% रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये SBL ब्रांड है जो होम्योपैथिक की कंपनी है और ये 25 ग्राम की आपको बोतल में जो टैबलेट्स है मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको उसकी 4 टैबलेट दिन में 2 बार लेनी है। आपको वीकली 1 वीक में आपको 4 टैबलेट 2 बार लेनी है, उसके बाद आपको 2-2 टैबलेट 2 टाइम लेनी है और इसका रिजल्ट आपको खुद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।